हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रंजना। आज बनाते हैं ये बहुत ही मज़ेदार फिलिंग से बने हुए ब्रेड पॉकेट्स, जो कि बनाने में तो बहुत ज़्यादा आसान हैं ही और देखने में इतने खूबसूरत और उससे भी ज़्यादा खाने में टेस्टी। तो नूडल्स और बहुत सारी वेजिटेबल्स की फिलिंग से बने हुए ये ब्रेड पॉकेट्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। नॉर्मल घर के इंग्रेडिएंट्स से बनने वाले ये पॉकेट्स बनाने में जितने आसान हैं उतनी ज़्यादा हेल्दी भी हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। इसको हम लेफ्ट ओवर नूडल से भी बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, तो आइए मिलके बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम नूडल्स तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, और इसमें मैं ये लगभग आधा कप प्याज ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे से हम सौते कर लेंगे। हमें फ्लेम को हाई ही रखना है, हाई फ्लेम पे ही हम सारा काम कर रहे हैं। तो अब मैंने इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, ये 1/2 कप गाजर है बारीक कटी हुई, 1/2 कप ही शिमला मिर्च है हरी वाली। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए, और ये मैंने लगभग 1/2 कप ही कैबेज लिया है, पत्ता गोभी, और अच्छे से हम इन सब सब्जियों को सौते कर लेंगे। हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रिस्पी ही रखना है हमें। तो सिर्फ इसको मिक्स करते हुए देखिए, अच्छे से ये हमारी कुरकुरी सी सब्जियां तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें ये 1.5 कप के करीब नूडल्स बॉयल्ड मैंने ऐड किए हैं। तो इसमें कोई भी टाइप के आप नूडल्स ले सकते हैं, जैसे राइस नूडल्स हैं, नॉर्मल हक्का नूडल्स हैं, और भी कई टाइप के नूडल्स होते हैं। तो ये मैंने इसमें 2 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून ही इसमें सफ़ेद सिरका, और ये 2 टीस्पून चिली सॉस ऐड की है रेड वाली, और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हमें ध्यान रखना है क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं, तो एकदम हमें इसमें ये थोड़ा सा ग्रीन अनियन मिक्स करेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये एकदम ठंडा हो जाना चाहिए मिक्सचर। और अब ये मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप व्हीट ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, और इसके साइड्स को मैंने कट कर लिया है। अब एक बाउल में मैंने 2 चम्मच के करीब मैदा ली है, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैं इसका एक गाढ़ा घोल बना लूँगी। एकदम देखिए गाढ़ा घोल बनके तैयार हो गया है। और अब ये बेलन की हेल्प से मैंने ब्रेड को पतला बेल लिया है। इसको हम कोशिश करके अच्छे से पतला बेलेंगे, तो इससे क्या होता है, जितना हम पतला बेलेंगे ये ब्रेड जो है हमारी तेल कम सोक करती है। और इसमें हमने ये नूडल्स की फिलिंग्स को फिल कर लिया है, और ये जो हमने गाढ़ा घोल बनाया है मैदा का, इसको हम चारों कोनों पे सब तरफ चारों तरफ अच्छे से हम लगा देंगे ब्रेड में, ताकि हमारी ब्रेड फ्राई करते वक्त खुले ना बिल्कुल भी। और ये देखिए अच्छे से दबा दबा के सब तरफ से हम इसे अच्छे से चिपका लेंगे। साइड्स अच्छे से चिपक गए, ऐसे ही हम सारे अपने नूडल्स पॉकेट तैयार कर लेंगे। और फ्राई करते वक्त भी हम एक बार और इनको अच्छे से चिपकाते हुए फ्राई करेंगे, ताकि खुले ना। ऑयल जो है हमारा थोड़ा हाई की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लो ऑयल में या लो फ्लेम पे डालेंगे इसे तो ये तेल ज़्यादा सोक कर लेते हैं। तो मीडियम टू हाई ऑयल को मैनेज करते हुए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए हमारे नूडल्स पॉकेट्स एकदम फ्राई हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी क्रंची ये पॉकेट्स सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे सॉस के साथ हम सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।